पहले लॉकडाउन में माफ हुए बिजली के बिल अब बढ़कर आने लगे तो लोग हो रहे हैं परेशान। ब्रेक टीवी से चर्चा में बोले लोग, मकान का किराया 1500 रुपए तो 10,000 का कैसे भर सकते हैं बिल। महू विद्युत वितरण कंपनी में रोजाना सैकड़ों से अधिक लोग बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने घरेलू 100 यूनिट से 150 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का दावा किया था, परंतु मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के दावे अब खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वह भी बढ़ते बिजली बिलों से त्रस्त हो चुके हैं और हर महीने बिजली बिल बढ़कर आ रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि जिन उपभोक्ताओं के कोरोना महामारी के दौरान कम किए गए थे उन्हें अब दोबारा डबल राशि जोड़कर बिल भेजा जा रहा है। सोमवार को सैकड़ों से अधिक महिलाएं और पुरुष विद्युत वितरण कंपनी पहुंचे और जमकर अधिकारियों के सामने हंगामा करते रहे। इस मामले में विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसी तरह का जवाब देने से बच रहे हैं। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। क्यों ले रहे पैसे हैं सरकार जब माफ कर रही है तो ये तो प्राइवेट सेक्टर है भैया, वहाँ तो आप दर्शा दोगे कि इतना मतलब बिजली का बिल। मेरा ये रोज 100 रुपये आता बिल और अब के 10,000 रुपये बिल दे दिया। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 1500 रुपये किराया मकान का और इतने तक मैं कैसे भरूंगा? क्या बोलना पड़ रहा है इनका? अब इनका ये बोल रहे तो भरना पड़ेगा। तो ये आपका पुराना बिल दिया कोरोना काल का? हाँ, ये तो कभी तो ये ठीक है। आपका नाम बता दी। साबिर। बताया क्या मामला है पूरा? सर हमारा भी यही है कि 9,000 एकदम दे दिया, हम कहाँ से भरेंगे? हम गरीब इंसान है, मैं घरों के काम करने जाती हूँ, ये पुताई का काम करते कहाँ से भरेंगे? उस समय कितना बिल आपका स्थगित हुआ था, रोका था? 17,000 था, उसमें से 2,000 हम भर चुके हैं, 15,000 का हुआ था। अभी क्या माफ बोला था उस समय हमको कि माफ क्या बोलना पड़ रहा है अधिकारी का? अभी यही, हम 9,000 एक साथ नहीं भर सकते। आपका नाम बता दो। कृष्णा अंतर्वेदी।